हाय फ्रेंड्स, आई एम रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आज बात करूंगी, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन स्टिल वो मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा है, यानी कहीं तो प्रॉब्लम है, और वो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज कौन सी हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, आई विल टेल यू। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आई लिटरली वांट टू सी थैंक्स टू नारायण सर, जिनकी टीचिंग से मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, लेकिन अब बहुत सारे फॉलोअर्स की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मुझे बहुत से लोग अपनी टेस्टिमोनी शेयर करते हैं, सो थैंक यू नारायण सर फॉर दीज वंडरफुल टीचिंग्स, जिससे हम सभी के लाइफ में लव, पीस, हारमोनी, अबेंडेंस आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे अच्छे हो रहे हैं, वी आर लिविंग अ फियरफुल लाइफ, फियरलेस लाइफ। अब हमें फियर नहीं लगता, प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, we know that your teachings are with us। चलिए बात करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा, देखिए, इंटेलिजेंट होते हैं दिमाग के, लेकिन उनका फोकस्ड, उनका इंटरेस्ट लेवल स्टडी में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, उनके गाना याद हो जाता है, उनको कार्टून के शोज याद हो जाते हैं, स्टोरीज याद हो जाती हैं, मूवीज याद हो जाती हैं। अगर कोई कार या कोई चीज तोड़ के उसको बनाना है तो उसको फटाक से बना लेते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन स्टिल वो मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते अपने स्कूल में। तो कौन से बैच फ्लावर रेमेडीज हैं, आई विल टेल यू 8 बैच फ्लावर रेमेडीज। इनमें से आपको 4 to 5 बैच फ्लावर रेमेडीज का कॉम्बिनेशन अपने बच्चे के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली रखना है, या फिर मैं आपको लास्ट में, आफ्टर टेलिंग ऑल दीज 8 मेडिसिन, मैं आपको लास्ट में 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगी, आप वो 2 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, मिमलस, स्क्लेरेंथस, व्हाइट चेस्टनट, एल रेस्क्यू रेमेडी, इम्पेशंस, ओक एंड चेस्टनट पैड, ये 8 बैच फ्लावर रेमेडीज हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट, क्या क्या करती हैं ये। नंबर 1 इज मिमलस। मिमलस इज फॉर फियर। बच्चे को मूवी देखने में बड़ा इंटरेस्ट है, गाना याद हो जाता है, क्योंकि वहां उसको डर नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर उनका आंसर गलत हुआ तो उन्हें मार पड़ेगी, या तो टीचर से, घर में पेरेंट्स से मार पड़ेगी। फियर ऑफ स्टडी होता है उन्हें, कि फियर है कि अगर मैंने गलत किया तो मुझे मार पड़ेगी। लाइक मैं आपको बताऊं, जब मेरा बेटा LKG में था, और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि दो जादू की छप्पी जिसने मेरे बेटे को टॉपर बनाया, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने अपने बेटे को बोला कि इफ़ यू डू अ रॉन्ग, अगर तुम मिस्टेक करोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल हग यू, और उस चीज़ ने मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो बच्चों को बहुत बार फियर होता है कि अगर वो गलत करेंगे या फेल हो जाएंगे या मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, तो वो इस वजह से, पता है, अपने इंटरेस्ट ने स्टडी में लैक कर देते हैं। जैसे मेरे बेटे ने इंटरेस्ट अपना ख़त्म किया था, तो यू कैन गिव मिमलस फॉर फियर। स्क्लेरेंथस, फॉरगेट ड्यूरिंग एग्जाम, रिकॉल्स आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे वो जो 2 से 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन टाइम होता है ना, बच्चा उस टाइम सब कुछ भूल जाता है, और जैसे एग्जाम खत्म हो उसे याद आ जाता है। तो इन दैट केस यू कैन गिव स्क्लेरेंथस टू योर चाइल्ड। नाउ व्हाइट चेस्टनट, बच्चा ब्लैंक हो जाता है, भूल जाता है आंसर, हमेशा पढ़ने बैठा ब्लैंक हो गया, आपने उससे पूछा 2-4 जा, बच्चे को याद था पहले लेकिन उस टाइम उसे याद नहीं आ रहा है, सो यू कैन गिव व्हाइट चेस्टनट। नॉट एनफ टाइम, बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे कि बच्चों के पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने मैथ्स का क्वेश्चन पेपर छोड़ा था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने कोई क्वेश्चन पेपर छोड़ा, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने उसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मैथ्स के क्वेश्चन में इस बार कैलकुलेशन इतने लंबे आए थे कि मेरा पूरा टाइम कैलकुलेशन करने में चला गया, सो मुझे टाइम ही नहीं मिला और टाइम आउट हो गया। तो एल विल हेल्प देम टू कंप्लीट देयर पेपर, एनएफ टाइम देगा उनको करने के लिए, उनकी इमोशंस को चेंज करेगा उस टाइम पे। देन अगर क्वेश्चन पेपर देखते ही बच्चा शेकी हो जाता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पेपर देखा, 2 क्वेश्चंस ऐसे दिखे कि वो आते नहीं हैं, उसके आंसर उन्हें नहीं आते, बस वो वहीं पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा कब, जहाँ पे देखा 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हाथ पैर कांपना शुरू। सो रेस्क्यू रेमेडी इज मस्ट रेमेडी फॉर एग्जाम डे। आपका बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में कितने भी अच्छे मार्क्स लाता हो, मेक श्योर यू गिव रेस्क्यू रेमेडी ऑन द एग्जाम डे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर एग्जाम डे। सिली मिस्टेक्स, मार्क्स कम आ जाते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, और वो सिली मिस्टेक्स होती क्यों, क्योंकि बच्चा इम्पेशेंट हो जाता है। एग्जामिनेशन पेपर देते देते टीचर ने बोला 1 घंटा बाकी है,
अब बच्चे को लगा इतना क्वेश्चन पेपर करना है और बाकी इतना का, वो इम्पेशेंट हो जाता है, वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश में पड़ जाता है और उस केस में वो इम्पेशेंट हो जाता है। या फिर जैसे उसने घड़ी में टाइम लिखा, अरे एक घंटा ही बाकी है, आधा घंटा बाकी है, जल्दी जल्दी करना शुरू किया और उस चक्कर में वो गलतियाँ करता चला जाता है। सो इम्पेशेंस विल हेल्प देम टू गिव देम एनफ पेशेंस टू राइट देयर आंसर इन अ पेशेंटली नॉट इन अ हरी। नाउ ओक, बच्चा बैठता ही नहीं है एनफ एफर्ट लगाने के लिए पढ़ने के लिए, जो रिक्वायर्ड एफर्ट है उसको पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम्स को पास करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो एनफ एफर्ट लगाते ही नहीं है। बच्चे ने बस क्वेश्चन पेपर देखा और उसे ऐसा लगा कि मुझे तो क्वेश्चन आते ही नहीं, तो वो एफर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मे बी शायद वो ट्राई करे तो सॉल्व कर ले, बट वो ट्राई करने के लिए समटाइम्स पिछड़ जाता है। सो ओक विल हेल्प दैट। नाउ बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चा मेरा तो घर में पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है, बस दिन भर इधर से उधर घर में घूमता रहता है। एंड आई टेल यू, बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं एंड आई सी ऑलवेज कि बच्चे सुनते नहीं हैं बहुत बार। चेस्टनट बट आप अगर उनको देना शुरू करते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए घर में बैठना शुरू करेंगे। दे विल लिसन यू व्हेन यू विल से टू स्टडी। तो ये बैच फ्लावर रेमेडीज हैं जो आपके बच्चे के लिए हेल्प करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से कॉम्बिनेशन है जो आप बिफोर एग्जामिनेशन देंगे और एग्जामिनेशन के दिन आपको देनी है। मिमलस रेस्क्यू रेमेडी, एल स्क्लेरेंथस एंड इम्पेशेंस, दीज आर दी फाइव। मैक्सिमम 4 to 5 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन दिया जाता है बैच फ्लावर का, नॉट मोर देन 5। 2 to 3 भी आप दे सकते हैं, 4 to 5 इज मैक्सिमम जो होता है कॉम्बिनेशन, नॉट मोर देन 5 कॉम्बिनेशन। मैं अपने बेटे को खुद 4 to 5 कॉम्बिनेशन देती थी LKG स्टैंडर्ड में जब वो था। ये आपको एग्जामिनेशन के दिन देनी है, मिमलस रेस्क्यू रेमेडी, एल स्क्लेरेंथस एंड इम्पेशेंस। आपको जो प्रायर देनी है बच्चे को पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे, वो है मिमलस, वाइट चेस्टनट, ओक, चेस्टनट बट एंड इम्पेशेंस, ये आपको बिफोर देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ बैच फ्लावर रेमेडीज होती क्या। बैच फ्लावर रेमेडीज होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके घर के आसपास के किसी होम्योपैथिक स्टोर पे आपको पता करनी पड़ेगी, जो बहुत इजीली वहाँ मिल जाती हैं। इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, आप चाहें तो अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव ऑन अमेजोन, दे आर समवॉट अराउंड 4 to 5 thousand। जबकि मैं जो मेडिसिन अपने घर के पास से होम्योपैथिक लेके आती हूँ बैच फ्लावर, वो मुझे जो है 70 to 150 और 180 के बीच में ईच मेडिसिन मुझे मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन मैं कितना क्वांटिटी ले रही हूँ। सो दीज आर बैच फ्लावर रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो ये हमारी क्रॉनिक बॉडी पे वर्क करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस मेडिसिन को आप किसी भी ट्रीटमेंट के साथ अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको मैं सेफ्टी साइड बोलूँ तो आप 1 to 2 घंटे का गैप रख के दे दीजिएगा अपने बच्चे को मेडिसिन। पिल्स फॉर्म में मिल रही है तो गिफ्ट 3 pills 3 times a day। अगर लिक्विड फॉर्म में मिल रही है तो बच्चे की बेटर है कि स्कूल का जो वाटर बॉटल होता है, मैं अपने बेटे को ऐसे दी थी कि वाटर बॉटल में पुट 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ईच मेडिसिन एंड यू गिव देम, तो स्कूल में जब भी वो पानी पिएगा वो मेडिसिन के ऑरा फील्ड में रहेगा। सो इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न, वो चीज़ें हेल्प करेंगे उस बच्चे को आपके। तो दीज आर बैच फ्लावर रेमेडीज, डॉक्टर बैच ने डिस्कवर की थी एंड दे आर वंडरफुल मेडिसिन। सो अगर आपको मेडिसिन नहीं मिलती हैं, यू कैन चैंट देम ओवर 100 times वाटर बॉटल में या ग्लास ऑफ वाटर में चैंट कीजिए और अपने बच्चे को बोलिए कि स्मॉल सिप्स पिए। इसके साथ आपको अंबिका मंत्र चैंट करना बहुत जरूरी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र, बिकॉज अंबिका मंत्र इज अ विनर मंत्र, ये विनिंग का मंत्र होता है। कोई भी काम करते हो, किसी भी फील्ड में हो, इट हेल्प्स यू टू विन। सो अंबिका मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू विन। आई होप वीडियो समझ में आया, बैच फ्लावर समझ में आया। सो हो आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूज दिस मेडिसिन सो दैट, और ये मेडिसिन आपको अपने बच्चे को कम से कम 3 months तक देनी है, सो यू विल गेट नोटिस द रिजल्ट सून।